महालक्ष्मी के आगमन से पहले मिलते हैं ये संकेत, दूर होते हैं आर्थिक तंगी। देवी लक्ष्मी माँ का स्वरूप चंचल माना गया है, जिस कारण वह एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहरती। ऐसे माना जाता है कि जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी का कृपा होता है उसे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपको कुछ संकेत दिखाई देता है तो इसका अर्थ कि जल्दी ही आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। सनातन धर्म के माता लक्ष्मी को एक विशेष स्थान प्राप्त है, उन्हें धन की देवी कहकर संबोधित किया जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए लोग कई तरह का उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा होने से जीवन में सुख शांति धन और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे माना जाता है माँ लक्ष्मी का आगमन से पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। आइए जानते हैं वह संकेत कौन से हैं। जब घर में देखते हैं जीव, ऐसा माना गया है कि यदि सूर्य अस्त के बाद आपको अपने घर में एक साथ तीन छिपकलियाँ दिखाई देती हैं या शुभ संकेत है। एक साथ तीन छिपकलियाँ दिखाई देने का अर्थ है कि आपके घर में जल्द ही माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, जिस कारण आपको आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलती है। आकाशमी का धनलक्ष्मी का संकेत, यदि आपके घर में कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो यह भी माँ लक्ष्मी का आगमन संकेत होता है। आपको आकाशमी का धन की प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए चिड़िया का घोंसला भी को कभी भी हटाना नहीं चाहिए। चींटी का देखना पर करें यह काम। चींटियों को देखने भी कई प्रकार भी शुभ अशुभ संकेत देता है। यदि आपको अपने घर में काली रंग की चींटियाँ दिखाई देती है तो यह शुभ संकेत है। ऐसे में चींटियों को शक्कर या आटा जरूर खिलाएं। वही काली चींटियाँ का झाड़ू में दिखाना भी माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत है माना गया है। सपने में चीज़ों का देखना, अगर आपको सपने में झाड़ू, छिपकली, सांप, उल्लू, शंख, गुलाब का फूल, बांसुरी और घड़ा आदि जैसे चीज़ दिखाई देते हैं तो इन सपनों पर इस पर शास्त्र में बहुत ही शुभ बात गया बताया गया है। सपने में इन चीज़ों को देखने का अर्थ कि आपकी धन की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।